नमस्कार दोस्तों, मनाज एकेडमी में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने भिल्डीपाटन रेलवे लाइन की कुछ विशेषताओं और उस लाइन की महत्ता के बारे में चर्चा की थी कि कैसे इस लाइन के कंस्ट्रक्शन के बाद भिल्डी और अहमदाबाद एक टेढ़े रूट के बजाय एक सीधे और सुगम मार्ग से जुड़ गए हैं। इतना ही नहीं, अभी तो जालौर की जनता को मुंबई के लिए एक डायरेक्ट रास्ता भी मिल गया है। इस प्रकार बहुत सहूलियत हो चुकी है इस लाइन के बन जाने के बाद। वैसे इस रूट पर कुछ नई ट्रेनें भी इंट्रोड्यूस की गई हैं। चलिए फिर नई ट्रेनें कौन सी है वो देखते हैं। हमारी पहली ट्रेन का नाम है भगत की कोठी बांद्रा टर्मिनस एक्सप्रेस। ये ट्रेन हफ्ते में एक ही दिन चलाई जाएगी दोनों तरफ से, यानी जोधपुर से भी और बांद्रा से भी। इस ट्रेन के माध्यम से अब जोधपुर जालौर के लोग मुंबई से डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएंगे। उनके अब बार बार ट्रेन बदलने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए अब हम दूसरी ट्रेन को देखते हैं। इसका नाम है भगत की कोठी साबरमती इंटरसिटी एक्सप्रेस। ये गाड़ी हफ्ते में 5 दिन चलाई जाएगी। इस ट्रेन को भी वाया भिल्डीपाटन ही चलाया जाएगा। फिलहाल तो आजकल महामारी के कारण ट्रेनें रद्द की हुई है, लेकिन एक बार जब ट्रेनें शुरू हो जाएंगी तब नए सिरे से इन दोनों ट्रेनों को फिर से शुरू कर दिया जाएगा। इन दो नई ट्रेनों के अलावा एक डेमो ट्रेन है जो कि जोधपुर और भिल्डी के बीच चलाई जाती है। इस ट्रेन को भी पाटन तक विस्तार करने की योजना बनाई है, जिससे भिल्डीपाटन के लोग जो लोकल में सफ़र करना पसंद करते हैं उनके लिए काफ़ी सहूलियत हो जाएगी। वैसे आजकल महामारी में एक ही ट्रेन वाया भिल्डीपाटन चल रही है, जो कि है बाड़मेर यशवंतपुर एसी स्पेशल एक्सप्रेस, जो कि बाड़मेर और बैंगलोर के बीच चलाई जाती है। ऐसे ही नाम वाली पहले एक ट्रेन थी जो कि भिल्डीपाटन लाइन बनने से पहले वाया भिल्डी डीसा पालनपुर होकर आगे बढ़ती थी, जहां उसका काफ़ी समय बर्बाद हो जाता था इंजन शंट करते हुए। इसलिए एक बात अच्छी है कि अब ये ट्रेन डायरेक्ट अपने गंतव्य तक आसानी से पहुंच सकती है। तो अब हम कुछ ऐसी ट्रेनों के बारे में बात करते हैं जो कि वाया भिल्डीपाटन लाइन पर डाइवर्ट करने योग्य हो। तो इस श्रेणी में आने वाली हमारी सबसे पहली ट्रेन है भगत की कोठी अहमदाबाद एक्सप्रेस, जो कि वाया भिल्डी पालनपुर रूट से चलाई जाती है। पहले तो भिल्डीपाटन रूट बना नहीं था, इसलिए ये गाड़ी वाया पालनपुर से जाती थी, लेकिन अब जबकि भिल्डीपाटन रूट बन चुका है तो इस ट्रेन को इस नए रूट पर डाइवर्ट कर देना चाहिए, क्योंकि पालनपुर रूट पर इस ट्रेन को 2 बार इंजन शंट करना पड़ता है, एक बार भिल्डी में और एक बार पालनपुर में। तो इस लिहाज से असुविधाओं को दरकिनार करने के लिए इस ट्रेन को बेशक भिल्डीपाटन रूट पर डाइवर्ट करना चाहिए। दूसरी ट्रेन हमारी है बीकानेर दादर सुपरफास्ट एक्सप्रेस, जो कि एक लॉन्ग रूट ट्रेन है। ये भी वाया भिल्डी पालनपुर ही चलाई जाती है। लॉन्ग रूट ट्रेनों के लिए तो जितना समय बचाया जा सके उतना अच्छा होता है, इसलिए इस ट्रेन को भी वाया भिल्डीपाटन ही डाइवर्ट कर देना चाहिए। तो अब तीसरी ट्रेन है भुज दादर सुपरफास्ट एक्सप्रेस, जो कि वाया भिल्डी पालनपुर चलाई जाती है। इस ट्रेन का मामला कुछ अलग है। ये ट्रेन भिल्डी से वाया पालनपुर भी जा सकती है और वाया पाटन भी जा सकती है। दोनों ही रूटों पर इस ट्रेन को इंजन शंट करना ही पड़ेगा, इसलिए इस ट्रेन को डाइवर्ट करना ही अच्छा होगा ऐसा हम नहीं कह सकते। अगर डाइवर्ट होता है तो पाटन की जनता के लिए काफ़ी सहायक होगा। इनके साथ साथ एक और डेमो ट्रेन है जो कि जोधपुर से पालनपुर वाया भिल्डी चलाई जाती है। वैसे तो ये ट्रेन पालनपुर के लिए बनाई गई है, लेकिन अगर ये ट्रेन मेहसाणा तक विस्तार करी जाए तो फिर ये मेहसाणा से पाटन होकर भी जोधपुर जा सकती है। वैसे ये सिर्फ एक अनुमान है, इस डेमो ट्रेन को तो रेलवे शायद ही छेड़ेंगे, लेकिन जो अन्य ट्रेनें हमने आज देखी उनको तो कार्यान्वित करना ही चाहिए रेलवे के द्वारा। चलिए फिर आज के लिए इन ट्रेनों के बारे में ही बताना था। कृपया इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें और ऐसी ही जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।